Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these, she worth it. I'm out of here, Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree. So welcome back to my YouTube channel guys, this is Himanshu Sharma. And as you all know, आज का वीडियो हमारा कुछ डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आपने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया होगा। अगर आप एक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट या फिर एथलीट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं जानता हूँ आपको बेसब्री से इंतजार था इस वीडियो के लिए। सो ये वीडियो फाइनली आई गई है। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज है शूज की, तो उसमें कौन से शूज खरीदने चाहिए, कौन से शूज बेटर है हमारे लिए। सो आज इस वीडियो के अंदर हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने टॉप 3 शूज दिखाऊंगा जो अंडर 5000 है और बेस्ट शूज मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अपना कल्ट स्पोर्ट शूज है मेरे पास यहां पे, आप देख सकते हो और आप इसकी लुक देख सकते हो क्लोज से। सो अगर आप मेरी तरह फिटनेस एंथुजियास्ट हैं या फिर एक एथलीट हैं, सो ये शूज आपके लिए मैं कहूंगा बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल है। मैं इसके अगर फायदे गिनवाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत लाइट वेट शूज है। स्वेटिंग का काफी इशू होता है हमें और शूज के अंदर कि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से स्मेल हमारे शूज में आने लगती है और बैक्टीरिया वगैरह फैलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सो गाइस ये बिल्कुल इन सब से फ्री है, ना आपको स्वेटिंग का कोई इशू देखने को मिलेगा, ना ही किसी बैक्टीरिया का कोई इशू आपको इस शूज के अंदर देखने को मिलेगा। एंड बहुत ही लाइट वेट शूज, आप पहनोगे ना आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने लाइक पहना भी हुआ है पैरों में। सो अगर आप रनिंग करते हो या आप ट्रेनिंग करते हो, हर चीज में ये एकदम परफेक्ट शू है, आप देख सकते हो। और इसकी जो मैश लाइनिंग है वो स्वेट को रोकती है। सो गाइस इसका जो डिजाइन है ना, वो ना सिर्फ मेरी रनिंग को ईजी बनाता है बल्कि मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करता है। और इन सब चीज़ों के अलावा सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी है इन शूज़ों की जो कुशनिंग है ना, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है, मुझे आज तक कभी किसी शू के अंदर ऐसा। तो मैं इनकी कुशनिंग की अगर बात करूँ तो बहुत ही वेल क्वालिटी के मैं कहूँगा कुशनिंग इसके अंदर जो है वो लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ इसके कंफर्ट जोन की, सो जब भी मैं पहनता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगता लाइक मैंने कोई शूज़ पहने हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली। और कंफर्ट के साथ साथ ये फुट को इतना सही से सपोर्ट देता है कि पता भी नहीं लगता कि लाइक शू मैंने पहने हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लाइट वेट है, सो बहुत ही कम्फर्टेबल है पहनने में ये शूज। इसका कुशनिंग सिस्टम फुट पर प्रेशर को बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कि हमारे पैरों को थकावट महसूस नहीं होने देता। इस कुशनिंग और लाइट वेट डिज़ाइन और ब्रीथेबल मैश की वजह से मेरी ट्रेनिंग में और मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, जिसकी वजह से मेरा रूटीन और भी ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। गाइस दिस शूज आर परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज, और मैं कहूँ कि अगर ट्रेनिंग, चाहे आपकी हाई इंटेंस ट्रेनिंग है, चाहे रनिंग है जिम में, सो किसी भी सरफेस के लिए ये बेस्ट शूज हैं। और गाइस ये शूज ऑलराउंडर तो है ही, साथ में ये शूज मुझे मिले हैं ओनली इन 2800। यस आपने सही सुना, जस्ट ओनली इन 2800। तो बहुत इतने कम मैं कहूँगा अमाउंट में आपको इतने सारे फीचर्स के साथ में अगर आपको शूज मिल रहे हैं, सो दिस इज अमेजिंग डील, सो यू शुड ट्राई। चलो बढ़ते हैं अपने सेकंड शूज की तरफ। ये हमारे पास में एडिडास विंड रेजर शूज। गाइस ये शूज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए गेम चेंजर है। ये शूज की सबसे खास बात है कि जो इनका चंकी बूस्ट मिड सोल है, जिसने मेरी रनिंग एक्सपीरियंस को बहुत बेटर बनाया है। इस चंकी बूस्ट मिड सोल की वजह से माई एवरी स्टेप फील्स लाइक कुशन एंड लाइट। इसकी वजह से मेरे पैरों पर कम दबाव पड़ता है और दौड़ने की जो मेहनत है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा इसका आउटसोल का डिजाइन भी बहुत ही अलग है, जो कि हाई ट्रैक्शन पैटर्न है और जिसकी वजह से मेरी स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यह डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन की वजह से एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, तो जिसकी वजह से मेरे गिरने के या स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। विद अ केयरफुल कंसिडर्ड हील टू टोय ड्रॉप, दीज शूज प्रोवाइड एन आइडियल बैलेंस बिटवीन सपोर्ट एंड नेचुरल मूवमेंट। एंड गाइज आई गॉट दीज शूज ओनली फॉर 3800। सो गाइज चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले शूज की तरफ, जो कि है हमारे नाइकी डाउन शिफ्टर। आप देख सकते हो गाइज इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं हमारे बाकी के शूज की तरह। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसके सबसे खास फीचर के बारे में, जो कि है फ्लाइनेट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की वजह से गाइस ये शूज इतना लाइटवेट और ब्रीदेबल हो जाते हैं कि बस आप पूछो ही मत। तो गाइस जब भी मैं ये शूज पहनता हूँ, मेरे फीट इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं थ्रू आउट माई ऑल ट्रेनिंग सेशंस, रनिंग एक्सेट्रा, कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील होता है इन शूज़ के अंदर। और ये शूज़ स्टाइलिश होने के साथ साथ भी इंडोर वर्कआउट में भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। आई मीन देखो क्या लग रहा है, इनकी लुक आप देख सकते हो, बहुत ही डिसेंट लुक है इस शूज़ की।
और गाइज ये शूज़ परफेक्ट स्टाइल स्टेटमेंट है, बट मैं इन्हें आउटडोर वर्कआउट्स के लिए प्रेफर नहीं करता बिकॉज ये कॉस्टली भी हैं और ख़राब होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसके अंदर है प्लश कुशनिंग जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रिड्यूस करता है और आपके फीट और जॉइंट्स को स्ट्रेन फ्री रखने में मदद करता है। गाइस मेरी मानो तो ये इंडोर वर्कआउट के लिए आइडियल शूज़ हैं और ये शूज़ बिल्कुल एकदम कल्ट स्पोर्ट के शूज़ के जैसे ही हैं, बस थोड़ा इनका प्राइस ज़्यादा है और ये शूज़ हैं 4000 के। सो गाइस दीज आर माई टॉप 3 शूज़ अंडर 5000 जो कि बहुत ही अच्छे शूज़ हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना है इन शूज़ को फॉर वर्कआउट, फॉर रनिंग, फॉर आउटडोर, फॉर एवरीथिंग, जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एंड सभी के लिए ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे शूज़ हैं। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको शूज़ कैसे लगे और कौन सा शूज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा और आप कौन सा शूज़ परचेज करना चाहोगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा शूज़ बेटर लगा एंड कौन सा शूज़ आप परचेज करने जा रहे हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।